फाइनली जस्ट ट्राई करने के मन था। मैं हमेशा ऐसे वीडियो देख के खाना खाता था, बट आज खुद बना के मजा आया। ऑलराइट, सो हे गाइस, व्हाट्स अप, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड एंड वेलकम टू द चैनल। चलिए आज संडे को करते फंडे। ये क्या है? हाँ, चलिए आज संडे को करते फंडे। तो हमेशा मैं संडे को बाहर जाके एक्सप्लोर करता था, बट आज मैं घर पे ही करूँगा फंडे। तो चलिए, मैं आप लोगों के लिए एक रेसिपी लेके आया हूँ। तो वो रेसिपी है पुलाव। हाँ जी, पुलाव बनाने का ख्वाहिश मेरा अंदर कैसे आया मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट टाइम मैं घर गया हुआ था अपना, तो मेरा आंटी ने मुझे बना के खिलाया पुलाव। तो उनका मैं था असिस्टेंट, यू नो। तो ऐसा ही मेरा कुछ ख्वाहिश बन गया पुलाव बनाने का। तो उनसे जाके थोड़ा बहुत मैंने कुछ सीखा देखा, तो चलिए मैं बना के देखता हूँ आज को। तो हाँ जी, जो जो मैंने देखा, तो चलिए मैं उसे उतारता हूँ मेरा कढ़ाई पे, मेरा किचन पे। तो बनाते हैं हम पुलाव। कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। वीडियो अपलोड इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि चलिए आसपास मेरा घूमने का जो प्लानिंग था वो एकदम कैंसिल हो रखी है फिलहाल। तो लास्ट टाइम इवन मैं मायोध्या जाने का मेरा प्लानिंग था, इवन जाके वापस आया भी मैं। जाके मायोध्या पहुँचाने पसीघाट से वापस रिटर्न आए, क्योंकि वहाँ पे कोई स्नोफॉल फिलहाल नहीं है, तो इसलिए वापस हम आए थे। मुझे करना था स्नोफॉल, दिखाना था मेरा ऑडियंस को, आप लोगों के लिए। तो सुनने में आया कि स्नोफॉल आपका जनवरी लास्ट या फरवरी को होता है। तो फिर से मैं प्लानिंग कर रहा हूँ जनवरी लास्ट या फरवरी को मैं जाके कैप्चर करके आप लोगों को दिखाऊंगा। और वहाँ पे जाने के लिए कैसा कैसा रूट है, तरीका क्या है, कहाँ से जाना पड़ेगा, आपको मैं डिटेल्स में बताऊँगा। तो वो सब छोड़िए और बने रहिए मेरा ये नया वीडियो पे। तो चलिए, मेरा किचन की ओर मैं आपको लेके चलता हूँ। लाइट, हाँ जी, ये है अपना छोटा सा किचन, ये है मेरा किचन। तो देखिए किचन में आपको क्या क्या दिखाई देगा। सबसे पहला बात मैं आपको दिखा रहा हूँ किचन का, यू नो, लाइक मैंने ये काल खरीदा जस्ट जो भी आपको पुलाव बनाने के लिए। रिफाइंड तेल डाल लिया, और मेरे पास ऑलरेडी किशमिश तो था ही, बट काजू था नहीं, तो मैंने इसे भी काल खरीद लिया। ओह माय गॉड, कुछ गिरा बट देखते बच गया। ये हनी था मैं कि सुबह सुबह, यू नो, लाइक नींबू के साथ पीता हूँ गर्म पानी पे, तो बच गया। ये बोतल का नहीं था, ये आपका कांच का नहीं था, आई मीन प्लास्टिक का बोतल था, तो बच गया। तो ये लाया, उसके बाद एक छोटा कुछ घी। मेरे को घी ज़्यादा खाना पसंद नहीं, बट कभी कभी खा लेता हूँ। तो अगर पुलाव बनाने जा रहा हूँ तो यू नो लाइक घी तो चाहिए ही घी, तो इसलिए मैंने ये लेके आया। क्या कहा, ये मनोरमा, माय गॉड, मनोरमा, हाँ जी, मनोरमा का है ये। तो ये लाया और ये रिफाइंड तेल लेके आया। इसके बाद मैंने लाया ये आपका बासमती राइस। हाँ जी, बासमती राइस, इंडिया गेट। अब बासमती राइस खाओगे तो पहुँच जाओगे इंडिया गेट, है ना। तो ये भी खरीदा, इसका दाम था आपका 89 रुपीज़। हाँ जी, देखिए 89 रुपीज़। तो इसे मैं सिर्फ एक पोहा बनाऊंगा, ये क्योंकि आपका एक किलो है तो मुझे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, मैं सिर्फ एक पोहा बनाऊंगा। और इसके बाद मैंने क्या लाया कल, और हाँ ये भी लाया तेज पत्ता, इसको भी ऐड करना होगा, तो देना होगा। ये लाया गोटा जीरा, लाया गोटा जीरा, कहाँ पे रखा मैंने, ये था क्या, हाँ ये गोटा जीरा लाया। उसके बाद लाया था चिकन, तो कल मैंने खाया नहीं चिकन, तो जस्ट यू नो लाइक थोड़ा सा आपको फ्राई करके मैं यहाँ पे रख दिया हूँ। तो आज मैं बनाने वाला हूँ चिकन कारी मसाला वाला चिकन विथ पुलाव। तो चलिए, तो हम खोलते हैं बासमती राइस को। तो इसे मैं खोलता हूँ बढ़िया से, ठीक है। इसे खोलने के लिए मेरे पास है मेरा सीजर, तो इसे मैं खोलता हूँ। देखिए तो किस तरह से मैंने काटा इसे, और इसे मैं क्या करूँगा, हाँ बाउल एक चाहिए मेरे को ना, है ना, पाव निकालता हूँ, इस पे एक पोहा, एक पोहा देता हूँ। एक पोहा कैसे मैं जाकर करूँ, अभी मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगा, मैं बस शायद काफी है। फुल टेमा, फुल ग्लास करता हूँ, ठीक है। इसे इसे देता हूँ, और इसे मैं सील करके रख देता हूँ, फिर इसे बंद करके रख देता हूँ। उसके बाद मैं इसे टेप में धो देता हूँ बढ़िया से। इसे मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, आंटी बोल रही थी कि 20 मिनट रखना है इसे, तो मैं इसे 20 मिनट तक छोड़ देता हूँ, ठीक है। देखिए सब रेडी कर चुका हूँ, फिर घी को ऐड करेंगे।
करने वाला हूँ यहाँ पे आपका ये ड्राई फ्रूट्स, यहाँ पे एड ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा मिलूंगा। उसके बाद एड करूँगा एक दो काली मिर्च, जब तक आपका कलर नहीं उठेगा तब तक आपको थोड़ा पकाते रहना है, ठीक है। तो क्या हो गया देखिए, लाल लाल कुछ सुनहरे रंग का कलर आ चुका है। अभी थोड़ा सा मैं इसमें दूंगा गोटा जीरा, यही गोटा जीरा, बस गोटा जीरा देने के बाद तेज पात भी दे दूंगा मैं इसे। इसके बाद दे दूंगा मैं ये कटे हुए हरे वेज गाजर, ये साइड पक चुका है। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगा चावल, तो हमने यहाँ पे ऐड किया चावल, तो चावल को बढ़िया से आपको फ्राई करना होगा 5 मिनट या 10 मिनट तक, उसके बाद मैं लगाऊँगा ढकनी फिर से। ये हो गया, तो अभी इस पे हम ऐड करेंगे पानी। पानी हम लगभग 2 ग्लास ऐड करेंगे। देखिए बस पानी काफ़ी है, अभी मैं लगाऊंगा 2 सीटी, ठीक है। मैं अभी लगाऊंगा कुकर का ढक्कन को भी लगा देता हूँ। चलिए मैं लगा के रखता हूँ। अभी पुलाव भी होने वाला है, तो पुलाव के लिए अभी हम इंतज़ार करेंगे 2 सीटी का। ऑलरेडी सब करके रेडी, उसके बाद मुझे खाना भी है यार, बहुत जोर का भूख लगा हुआ है फिलहाल। तो चलिए रुकते हैं हमारे कुकर के सिटी के लिए। और हाँ एक बात, हाँ दोस्तों आप लोग बोलिए आप कहाँ विजिट करना चाहते हो नोटिस पे। तो आप लोग जहाँ जहाँ विजिट करना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट दीजिए, मैं वो जगह पे जाके एक्सप्लोर करके वो जगह का मैं यू नो लाइक वर्चुअली एक्सप्लोर कराता हूँ। नेक्स्ट प्लान है मेरे मायावती जाने का, तो वहाँ के मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ मायावती आपको कैसे जाना है वहाँ में, जाने के लिए यू नो लाइक रूट कौन सा चूज़ करना है, वहाँ पे एकोमोडेशन कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वो सब मैं आपको वो वीडियो पे कवर करता हूँ। उसके बाद सोचा कि मैं कहाँ जाऊँ, उस पर कोई आइडिया नहीं। दोस्तों मुझे प्लीज़ सजेस्ट कीजिए कि नोटिस पे और कहाँ विजिट करने से अच्छा है। मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ, तो लाइक वो पार्ट मैंने ऑलरेडी यू नो एक्सप्लोर कर चुका हो, तो मुझे माजुली लेकिन कभी गया नहीं, माजुली विजिट करने का मन है, सामने ही है बट गया नहीं। मैं माजुली जाऊंगा, तो अपर असम फुल्ली विजिट करने का प्लानिंग कर रहा हूँ, देखता है क्या होगा। तो आप तो वीडियो पे बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, तो आप लोगों के लिए मैं नया नया वीडियो बना के लेके आऊँगा आपके सामने में। चलिए देखते हैं, मेरे को यार दोस्तों मालूम नहीं अंदर कैसा यू नो लाइक ये स्टिकी हुआ या कैसा हो रखा है फिलहाल। भगवान मेरे को बचाना यार, सच्ची में पुलाव हुआ या खाना हुआ भगवान आपके हाथ पे ही है। मैं निकालता हूँ सीटी तो खुल गया। अभी एक दो तीन, भगवान बचा ले, ये फाइनली सच्ची में यार बढ़िया हुआ है पुलाव। देखो एकदम कसम से यार, ओ गॉड मेरे को भी पुलाव बनाना आता है। अभी इसे बढ़िया से एक बार हिला देना, ओ माय गॉड थोड़ा थोड़ा जल चुका है लेकिन यार कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बढ़िया से होगा फिर। ओ गॉड बढ़िया, फाइनली। चलिए मैं साफ करके दिखाता हूँ आपको। देखिए कुछ इस तरह से मैंने बनाया चिकन पुलाव, आई मीन पुलाव और चिकन। तो चलिए दोस्तों मैं आपको खा के दिखाता हूँ कैसे बनाया मैंने पुलाव। हम्म,
फाइनली जस्ट ट्राई करने के मन था। मैं हमेशा ऐसे वीडियो देख के खाना खाता था, बट आज खुद बना के मजा आया। दोस्तों प्लीज़ बुरा मत मानना, बस हो फन ये वीडियो बनाया था मैंने। और हाँ, जो मेरा फास्ट यू नो लाइक पुलाव मैंने बनाया था कि यार गॉड स्वेयर कसम से भगवान कसम यार बढ़िया बनाया, खा के खुद को भी यू नो लाइक मतलब महसूस हुआ कि यार भाई चल तू भी बना लेता है। तो चलो भाइयों, अगर आप लोगों को बनाना है पुलाव तो ये जाके वीडियो पे आप लोग देख लो, अच्छा से सीख लो, कसम से बोल रहा हूँ भाई बिल्कुल बराबर बना पुलाव, अभी बना के घर पे ट्राई कर लेना। तो चलिए वीडियो पे बनाए रहने के लिए धन्यवाद।